रहमान मिर्ज़ा परदेसी के चैनल पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद उम्मीद करता हूँ। तमाम भाई जो है वो हुरियत से होंगे। एक बहुत अफसोसनाक वाकया ये पेश आया है और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जो विक्टिम है, जो सिक्योरिटी गार्ड लड़का है, इसकी डेथ हो गई है। और बहुत पॉसिबल है इतनी क्लोज से जब कोई किसी को फायर मारता है, चाहे कितने भी कैलिबर का हो, चाहे 22 कैलिबर का क्यों ना हो, जब इतनी क्लोज रेंज में कोई फायर मारता है तो वो बहुत ज़्यादा कम चांस होते हैं सर्वाइव करने के। अब पूरे वाक्यों को आप थोड़ा सा गौर से देखें और इससे कुछ सीखें, कुछ नसीहत हासिल करें। सबसे बड़ी बात, ये लड़के तीन आते हैं मोटरसाइकिल पे। सबसे पहले नीले कपड़ों वाला, ब्लू कपड़ों वाला लड़का उतरता है। वो गन को चैम्बर भी करता है, लोड भी करता है, लेकिन वो फायर नहीं मारता और वो बड़ा स्लो तरीके से आ रहा होता है। वो पैनिक नहीं होता, वो सबसे पहले आ रहा होता है। दूसरे नंबर पे जो ब्राउन कपड़ों वाला लड़का आता है वो पैनिक होता है, वो बहुत रश में होता है। यानी कि ब्लू कपड़े वाले और ब्राउन कपड़े वालों की नीतें और थी वारदात डालने की। जब ब्राउन कपड़ों वाला लड़का आता है वो गन को चैम्बर भी करता है और पास जाके, जब पास जाता है लेफ्ट हैंड पे उसके पास गन होती है और वो बिल्कुल पास जाके फायर कर देता है। होता क्या है, फिर वो दूसरे जो दो होते हैं लड़के, मोटरसाइकिल चलाने वाला और ब्लू कपड़ों वाला, वो पैनिक हो जाते हैं। ब्राउन कपड़े वाला पास जाता है, सिक्योरिटी गार्ड है जो विक्टिम है उससे गन छीनता है। ठीक है, गौर करें, सिर्फ गन छीनता है, ना उसका मोबाइल छीनता है, ना उससे पैसे छीनता है, और गन छीन के दोबारा देखता है उसकी तरफ। एक दफा वो वापस मोटरसाइकिल पे तीनों लड़के जो हैं वो बैठ के चले जाते हैं। अब गौर करने की बात है, ये अगर वारदात करने आए थे तो ये दुकान के अंदर क्यों नहीं गए, दुकान के अंदर इन्होंने लूटा क्यों नहीं दुकान को, इन्होंने मोबाइल क्यों नहीं छीना सिक्योरिटी गार्ड से, पॉसिबली हर बंदे के पास मोबाइल होता है, उसके पास से पैसे क्यों नहीं छीने, इन्होंने गन क्यों छीनी है उससे। इससे एक चीज साबित होती है कि ये कोई डकैती की वारदात नहीं थी, ये चीज बिल्कुल साबित होती है। दूसरी बात इससे एक साबित होती है, पॉसिबल अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। दूसरी बात ये साबित होती है कि ये लड़के इसको मारना नहीं चाहते थे। ये जो दूसरे नंबर वाला ब्राउन कपड़ों वाला या येलो कपड़े जिसे आप कह लें, येलो कपड़ों वाला जो लड़का है, वो जब पास जाता है फायर कर देता है। अगर उसने मारना ही था तो वो इतना पास क्यों गया। ठीक है, एक सवाल पैदा होता है, इतने पास से कोई भी बंदा पास जाके सर पे जाके फायर किसी को नहीं मारता। पॉसिबल होता है उसके लिए, कोई भी अगर आपने कोई क्राइम कमिट करना है, कोई आपने मारना है किसी को, तो वो थोड़ा सा 3-4-5 मीटर का फासला रखता है उसको फायर मार के, तो वो भागने की इजी एक्सेस जो है रखता है कि मैं जल्दी से भाग जाऊँ फिर ये अपनी वारदात डालने के बाद। वो बिल्कुल पास गया, इसका मतलब है कि उसका शायद मारने की नीयत नहीं थी, उससे फायर लग गया। और जो गन उसने छीनी, आप बात एक पॉइंट जो है ना वो नोटिस करने वाली है, उसने गन छीन के वो तीनों भाग गए हैं। इसका एक, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, एक बात इससे ये साबित होती है कि समहाउ ये लड़के और वो जो सिक्योरिटी गार्ड जो विक्टिम है, ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं जानते थे, ये पहले एक दूसरे को फेस टू फेस कर चुके थे। पॉसिबल है कि ये लड़के पहले वारदात करने आए थे, ठीक है, जो मैंने अपना रिजल्ट निकाला वीडियो देख के, लेकिन इनकी वारदात नाकाम बनाई है ये सिक्योरिटी गार्ड लड़के ने। जब इनकी वारदात नाकाम बनाई है सिक्योरिटी वाले लड़के ने, तो उनको रंज था कि अब हम इस सिक्योरिटी गार्ड वाले लड़के से बदला लेंगे, और उनको पता था कि इसके पास गन होती है, इसके पास हैंड गन होती है। जाहिर है अगर वो पहले आए होंगे तो इसने कोई गन छन के फायर किए होंगे या गन निकाली होगी, कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, जिसका रंज होता है। ये क्रिमिनल माइंडेड जो बंदे होते हैं, आपको पता होगा, इसको इनको बदले की बड़ी आग होती है इनके अंदर, कि बदला लेना है, बदमाशी की बड़ी आग होती है, और अपने आप को सुप्रीम रखने की, सुपीरियर रखने की अगले बंदे से, कि यार मैं इतना वारदातिया बंदा हूँ, मेरे पास से ये, मैंने इतने क्राइम कमिट किए हैं, इतनी FIRs हैं मुझ पर, और ये जो है इसने हमारे साथ ऐसे कर दिया है, हम आप इसको पूछेंगे इसने हमें धतकार दिया है या हमारी बेइज्जती कर दी है या हम पे गन तानी है। तो ये बदला लेने आए थे, और इन्होंने क्या किया है कि वो आते ही उन्होंने, शायद इनकी नीयत थी कि उसको हम मारे पिटेंगे, छुटे छुटे मारेंगे, थप्पड़ छप्पड़ मारेंगे, ड्राई धमकाएंगे, लेकिन पॉसिबल है कि इनसे फायर लग गया है, और फायर लगने के बाद जो उनको पता था, उनको पता था इसके पास हैंड गन होती है, उन्होंने हैंड गन छीनी है और भागे हैं, और इन्होंने कोई डकैती की वारदात नहीं की।
ठीक है, मेरा ये जो है ना, मैंने ये रिजल्ट निकाला अच्छे से। इससे एक 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 और चीज साबित होती है कि अगर आपके पास गन भी है तो जो आ रहा है, जो जो आपके ऊपर हमला करने आ रहा है, वो करके रहेगा, आपको वो टाइम नहीं देगा। और बहुत ही ज्यादा उस बेचारे के पास, वो आपको पता है वो शटर नीचे ऊपर कर रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं था कि वो कुछ प्रेडिक्ट कर सकता कि ये जो आ रहे हैं ये मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, वो अपनी गन निकाल लेते हैं या जो भी। तो बहुत बहुत जल्दी में ये हुआ है। यहाँ पे कोई भी होता है, कोई राइफल भी किसी के पास होती तो वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था। अगर इसको शायद थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो वो थोड़ा सा इनको रेड फ्लैग समझ लेता, जैसे रेड फ्लैग हम कहते हैं मुंह पे नकाब वगैरह डाले हुए हैं, तीन चार लड़के आ रहे हैं, या पहले जो सबसे पहले वो ब्लू कपड़ों वाला है उसने गन निकाल लिया, तो थोड़ा सा बंदा रेडी हो जाता है, अपने वेपन को पकड़ लेते हैं या जो भी। बेचारे जो विक्टिम है उसकी किस्मत जो है ना, वो उसकी उम्र इतनी थी और वो मुझे पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। तो खैर, एनीवेज, मैं एक नसीहत अब इस वीडियो में आपको करने जा रहा हूं। अगर आपका कहीं पे किसी के पास किसी के साथ क्लैश होता है, किसी के साथ डॉजिंग होती है वैसे, या गन्स को लेके, या किसी क्रिमिनल के पास, भाई उसके बाद आपको चाहिए कि आप अपनी लोकेशन चेंज करें। सबसे पहले अपनी लोकेशन चेंज करें। अगर आप किसी दुकान पे हैं या जो भी है, आप उस दुकान पे ना बैठे, वो दोबारा हमला करने आएगा। अगर अगर आपकी किसी से लड़ाई है या जो भी है, तो उसके बाद आपको 99.99% आपकी अपनी सिक्योरिटी को जो है सुपीरियर रखना चाहिए। ये अपने पास से एक वैलिड वेपन, लोडेड चैम्बर बुलेट में वेपन अपने पास रखना चाहिए। तो अगर आप जो है ना, अगर आपकी किसी से मुठभेड़ हो जाती है इस तरह गन को लेके, कोई फायर शायर हो जाते हैं, एक्सचेंज होता है, फायरिंग की एक्सचेंज होती है, तो अपनी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी को जो है ना वो रखें, सिक्योरिटी रखें, और इस चीज का जहन में रखें कि ये दोबारा मेरे पास हमला करने दोबारा आ सकते हैं। बिल्कुल ख्वाब गफलत में ना रहें कि जी मैंने उनको भिगा दिया है तो मैं तो बड़ा सुपर हीरो बन गया हूँ, मेरे पास तो 9mm गन थी। इस चीज़ को जेन से निकाल दें। अगर इस तरह की कोई भी वारदात आपके साथ होती है तो आप अपने आप को दोबारा बाद में प्रिपेयर रखें कि वो दोबारा आप पे हमला करने आएंगे, बदला लेने आएंगे। उम्मीद करता हूँ मिर्ज़ा परदेसी की वीडियो आपको पसंद आई है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिर्ज़ा परदेसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।